क्या आप जानते हैं पेट्रोल पंप पर फ्यूल पाइप में इस लॉक का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं आईफोन में कैमरा और लेंस के पास ये होल क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं लिफ्ट में इस होल का क्या काम है? दोस्तों, डेली यूज की जाने वाली चीजों में बहुत ही मजेदार राज छुपे होते हैं जिनका हमें रियल लाइफ में मतलब नहीं पता होता। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही छुपे हुए 10 मजेदार राज के बारे में, एवरीथिंग यू शुड नो। नंबर 10, गोल्फ गेम तो आपने देखा ही होगा, बट आपने कभी सोचा है कि गोल्फ पर इतने सारे डिंपल्स क्यों होते हैं? मैं ये डिंपल्स की बात नहीं कर रहा, गोल्फ बॉल पर डिंपल्स मींस बॉल पर होल्स की बात कर रहा हूँ। वेल, हमेशा से गोल्फ की बॉल ऐसी नहीं थी। पहले गोल्फ की बॉल चिकनी होती थी, बट 18वीं शताब्दी में गोल्फर्स ने नोटिस किया कि पुरानी घिसपटी बॉल्स न्यू बॉल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर जाती हैं, तो इसी वजह से जानबूझकर बॉल्स को डिंपल के साथ बनाया जाने लगा। नंबर 9, आपने लैपटॉप के चार्जर में ये यूनिक सा सिलेंडर देखा ही होगा, लेकिन इस सिलेंडर के होने का रीजन बहुत ही कम लोग जानते होंगे। एक्चुअल में इसे फेराइट बीड कहा जाता है। इसका काम लैपटॉप में हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक नॉइस को फिल्टर करना होता है। ये एक तरह का इंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। नंबर 8, आप जब किसी बिल्डिंग में अप डाउन करते हैं तो आप भी लिफ्ट को ही प्रीफर करते होंगे, लेकिन आपने कभी लिफ्ट में इस होल को नोटिस किया है? ये किस लिए है? वेल, ये छेद अंदर मौजूद लोगों की जासूसी करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक की होल है। जब कभी लिफ्ट फंस जाती है या कोई दूसरी इमरजेंसी होती है तो इस की होल की मदद से लिफ्ट का गेट को ओपन करके लोगों को बचाया जाता है। नंबर 7, आप जब कार में होते हैं तो आपने कार में इस रियर व्यू मिरर में लगे इस बटन को जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा किस लिए होता है? वेल, हम बताते हैं। ये बटन एक्चुअली में एक स्विच है जिससे मिरर को हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप दिन में कार ड्राइव करते हुए इस मिरर को स्ट्रेट रखते हैं तो पीछे से रिफ्लेक्शन क्लियर आता है, और जब आप रात में इसे ऊपर की तरफ फ्लिप कर देते हैं तो ये बैक से आने वाली अदर कार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अदर डायरेक्शन में भेज देता है, जिससे हमारी आंखों को मिरर में देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 6, आपने भी बैकपैक में इस एक्स्ट्रा डायमंड शेप्ड डिजाइन को नोटिस किया होगा, बट ये सिर्फ लुक बढ़ाने के लिए नहीं है। इसको लैश टैप्स और हॉलिंग लूप्स भी कहा जाता है। इसका बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है, इस वजह से ही ये बैकपैक में दिया जाता है। इसमें आप अपने शूज या अदर आइटम्स भी टांग सकते हैं, इससे आपका बैग भी नहीं भरेगा और अदर आइटम्स भी कैरी हो जाएंगे। नंबर 5, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपने फोन के पीछे कैमरा लेंस और फ्लैश के पास में इस छोटे से होल को जरूर देखा होगा, और आप सोचते होंगे कि ये किस लिए है। वेल, ये फोन का तीसरा माइक है। जी हाँ, आईफोन में 3 माइक आते हैं, जिसमें से एक हेडफोन जैक के पास, दूसरा फ्रंट कैमरा के पास और तीसरा बैक साइड में लेंस और फ्लैश के पास में होता है। थर्ड माइक वीडियो बनाते हुए आवाज़ को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करता है और नॉइस को भी रिड्यूस कर देता है, जिससे हमें वीडियो में क्लियर वॉइस मिलती है। नंबर 4, आप जो पेन यूज करते हैं उसके कैप पर एक होल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पेन बनाने वाली कंपनी के लिए कैप पर होल बनाना जरूरी है? ये पेन मेकिंग गाइडलाइंस में भी आता है। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो पुलिस उन पर एक्शन भी ले सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति गलती से इस कैप को निगल ले तो कैप के छेद के थ्रू वो सांस ले सके और इलाज मिलने तक उसकी जान बची रह सके। नंबर 3, दोस्तों, हर सिंक में एक नीचे होल होता है जिससे पानी पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि सिंक में एक ऊपर भी होल दिया होता है। इस होल का मतलब बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये होल हर सिंक में मिलेगा। इसको बनाने का मतलब ये है कि बाय चांस नीचे वाला होल खराब हो जाए और अगर कोई नल खुला छोड़कर चला जाता है तो इस सेकेंडरी होल के जरिए पानी ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नंबर 2, दोस्तों, आपने कार में सीट के ऊपर ये हेडरेस्ट जरूर देखा होगा, लेकिन ये सिर्फ हेडरेस्ट करने के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी जान भी बचा सकता है। इसका पहला काम है एक्सीडेंट के टाइम पर आपकी गर्दन को झटका लगने से बचाना, और इसका दूसरा काम है कि अगर आप अपनी कार के अंदर फंस गए हैं और गेट ओपन नहीं हो रहा है तो आप इस डिटैचेबल हेडरेस्ट को निकाल कर इसके नीचे दिए हुए रॉड को ग्लास और पैनल के बीच फंसा कर थोड़ा प्रेशर के साथ
ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। नंबर वन, दोस्तों आपने पेट्रोल पंप पर इस फ्यूल पाइप पर एक छोटा सा लॉक जरूर देखा होगा। कभी नोटिस किया है कि ये किस लिए है? वेल, हम बताते हैं आपको। अगर कोई अपनी कार या बाइक में पेट्रोल डलाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है या वो भूल जाए कि पाइप का नोजल उसके टैंक में ही है और वो वहां से जाने लगे, तो ये पाइप अपने आप इस लॉक से अलग हो जाएगा। ये एक मैग्नेटिक लॉक है। ये इस तरह से बनाया गया है कि अगर इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये अपने आप ही दूसरे पाइप से अलग होकर कार के साथ ही चला जाएगा, जिससे पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं होगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।